उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला से अब तक 2774 लोगों के सैंपल कोविड-19 की जांच के लिए आईजीएमसी शिमला भेजे गए थे। उनमें से 2633 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 31 की रिपोर्ट अभी तक पॉजिटिव आई है। 109 सैंपल की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। उन्होंने बताया कि 21 लोग अभी तक कोरोना से निजात पा चुके हैं और 10 लोगों का इलाज चल रहा है। उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने बताया कि गत दिन तक जिला में 1288 लोगों को गृह संगरोधक और 290 लोगों को संस्थागत संगरोध में रखा गया है। उन्होंने बताया कि जिला में कोरोना वायरस के 2 नए मामले पॉजिटिव आए हैं। एक मामला घुमार में और दूसरा मामला जंडुता से संबंधित है और उनकी ट्रेवल हिस्ट्री ट्रेस की जा रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जंडुता से कोरोना पॉजिटिव मामले से संबंधित व्यक्ति बिलासपुर में रह रहा था और गत सप्ताह वह आवश्यक सामग्री आपूर्ति के वाहन में दिल्ली गया था और बिना पास के उसी वाहन में वापिस बिलासपुर आया। उन्होंने बताया कि जो भी व्यक्ति फ्लू ओपीडी फ्लू क्लिनिक में सैंपल देने के लिए आते हैं उन्हें संस्थागत संगरोध और गृह संगरोध नहीं किया जाता है। उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कंटेनमेंट जोन सीएमओ की सिफारिश के आधार पर बनाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 8 एमसी बिलासपुर को कंटेनमेंट जोन और वार्ड नंबर 1 एमसी बिलासपुर और वार्ड नंबर 3, 4, 7, 9 को बफर जोन बनाया गया है। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन में एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जाएगा और क्षेत्र को पूर्ण रूप से सैनिटाइज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति एसडीएम सदर की देखरेख में घर द्वार पर वितरित करना सुनिश्चित की जाएगी। वो डी नोटिफाई किया जिसमें एक तो बामता पंचायत का एक वार्ड नंबर 11 उसको डी नोटिफाई किया है कल। एक हमारा डूहक गांव जो कि सुनानी के पास जंडुता तहसील में, क्योंकि वहां वो पीरियड निकल गया था कंटेनमेंट का, उसे भी डी नोटिफाई किया गया है। एक फैक्ट्री जो गोल था इनमें फाइटोकेम नाम से, उसे भी कल पिछले कल क्योंकि वहां एसीएफ और सैम्पलिंग सारी हो गई थी, सारा मतलब नेगेटिव की रिपोर्ट्स, वो डी नोटिफाई पिछले कल ही हमने किए। परंतु कल रात जो हमारे जो सैंपल्स की रिपोर्ट आई उसमें 2 पॉजिटिव आए और इस विषय में सीएमओ साहब ने भी विस्तृत जानकारी जो है डीपीआरओ साहब के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दी है। एक तो घुमारवी का व्यक्ति है जो कि संस्थागत क्वारंटाइन में था, दिल्ली से वापस आया था। दूसरा व्यक्ति जो है जंडूता का है और जो है वो बताया जा रहा था कि आजकल वो बिलासपुर में निवास कर रहा था। और ये जो जंडूता वाला व्यक्ति है उसके विषय में बताना चाहूँगा कि जो एसपी साहब से हमें सूचे और जो आज हमने जो ये क्वारंटाइन जो कंटेनमेंट के जो ऑर्डर्स हैं वो आज हमने जारी कर दिए हैं। जो सीएमओ साहब की रिकमेंडेशन पे ये किया जाता है, पूरा जो है उसका इंटरोगेशन की जाती है, पूछताछ की जाती है, आसपास में पूछताछ की जाती है। तो उसमें वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 8 बिलासपुर के जो हैं वो कंटेनमेंट जोन जो है उसे के रूप में नोटिफाई किया गया है, ऑर्डर किए गए हैं। और बफर जोन के रूप में वार्ड नंबर 1 निहाल एमसी बिलासपुर और वार्ड नंबर 3479 एमसी बिलासपुर, ये हमारे बफर जोन के रूप में डिक्लेयर किए गए। कंटेनमेंट जोन वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 8। तो ये मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि इसमें वाइड पब्लिसिटी की जाए और इस विषय में एसपी साहब से भी मैंने बात कर ली है। हमारे डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर डॉक्टर परविंदर, एसडीएम सदर, ईओएमसी, तो ये सारे मिलके जो है इसकी जो जो इन्फोर्समेंट जो होगी उसको करवाएंगे। और बाकी एक मैंने यूएमसी से ये भी रिक्वेस्ट किया है क्योंकि हमारा उसके बैक साइड में निचली तरफ जो है सब्जी मंडी की जो है का परिसर है और साथ में मीट मार्केट भी है, तो सब्जी मंडी के लिए मैंने सुझाव दिया है, अनुरोध भी किया उनसे कि आम आदमी की कठिनाई को मद्देनज़र रखते हुए इनके व्यापार को